पीएम मोदी का रुका टेलीप्रॉम्प्टर, इधर उधर देखने लगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी बोले, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। यूजर बोले, इसलिए नहीं कर पाते प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों नमस्कार, K9 मीडिया के लिए योगेश वत्स की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व आर्थिक मंच के दावेस एजेंडा को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण के बीच में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकियां लेने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर तक इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात को इस मंच पर रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जस इस बीच उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। के में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have. उनके कार्यक्रम की ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद ट्विटर पर टेलीप्रॉम्प्टर पीएम ट्रेंड होने लगा। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि बड़े नेताओं ने और आम यूजर्स ने प्रधानमंत्री को कैसे घेरा है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतना झूठ तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, टेलीप्रॉम्प्टर फेल, भाषण ढेर। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि आज पढ़ने वाली मशीन टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया, फिर साहब पसीना पसीना हो गए, अगल बगल झांकने लगे। इसलिए कहा गया है कि बार बार नकल मत करो, अकल से काम लो, लेकिन साहब हैं कि मानते ही नहीं। उसके बाद आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि उस टेलीप्रॉम्प्टर को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बचाया। इसके बाद सूर्या प्रताप सिंह लिखते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही पता चल गया कि असली पप्पू कौन है। वहीं एक ट्विटर यूजर पंकज लिखते हैं कि दिस मोमेंट इट इज प्रूव्ड ही इज जस्ट एन एक्टर नॉट अ लीडर। इसको लेकर दोस्तों लगातार ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना लोग कर रहे हैं और उनको घेर रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें K9 मीडिया के साथ। सच के साथ खबरें खास। नमस्कार।